मुखर्जी की पत्नी शुभ्रा मुखर्जी का निधन हो गया है। आपको बता दें लंबे समय से वो बीमार चल रही थी और अब ये खबर आ रही है कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पत्नी का निधन हो गया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने खुद ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पत्नी शुभ्रा मुखर्जी का निधन हो गया है। हमेशा दुख सुख में लंबे राजनीतिक सफर में प्रणब्दा के साथ रही शुभ्रा मुखर्जी और ये दुखद खबर आ रही है कि उनकी पत्नी का निधन हो गया है। हाल फिलहाल में उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी। हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर प्रकाश पांडे जुड़ रहे हैं इस वक्त। प्रकाश, बेहद दुखद खबर, बड़े लंबे अरसे से वो बहुत बीमार चल रही थी। बिल्कुल, आज जिस तरह से उनका स्वास्थ्य लगातार खराब हो रहा था और पिछले डेढ़ हफ्ते दो हफ्ते पहले जो है उनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। अगर उस वक्त भी हम लोगों ने बताया था इंडिया न्यूज पे कि किस तरह से जो है राष्ट्रपति को जगन्नाथपुरी में थे वो अपने सरकारी दौरे पे, उनको वापस आना पड़ा था, उनको एडमिट करवाया गया था आर्मी आर हॉस्पिटल में। उसके बाद ही जो हमारे डॉक्टरों से बात हुई तो उन लोगों ने कहा कि काफी स्वास्थ्य खराब है, बहुत क्रिटिकल हालत में है। तो यानी लाइफ सपोर्ट पे तब से रखा गया था, उम्मीद की जा रही थी कि शायद रिवाइव कर जाए, पर ऐसा हो ना सका और तकरीबन दो हफ्ते बाद जो है उनका देहांत हो गया। हालांकि अगर मैं बताऊं आपको तो उनका स्वास्थ्य पहले से ही काफी खराब था, क्योंकि जब राष्ट्रपति ने शपथ ली थी उसके बाद भी जो है प्रोटोकॉल के तहत पत्नी जब भी कोई राष्ट्राध्यक्ष आता था मेहमान के तौर पे तो वो उनके बजाय जो है उनकी सुपुत्री वहां पे रहा करती थी, क्योंकि उनका स्वास्थ्य काफी अरसे से खराब था। और अब जो है ये दुखद समाचार आया कि तकरीबन दो हफ्ते तक एडमिट रहने के बाद आरएनआर हॉस्पिटल में उनका देहांत हो गया। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रकाश, इस जानकारी के लिए आप